हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक नई सीरीज 10 कदम आपके सामने है, जिसके अंदर जो भी सप्ताह भर में आपने पढ़ा था उसमें से 10 महत्वपूर्ण सुर्खियां अगले 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। केवल कौन सी सुर्खी महत्वपूर्ण है ये समझाना मेरा आपको उद्देश्य है कि केवल आपका रिविजन हो जाए कि आपने 6 दिन मेरे साथ में जो करंट पड़ी है जिसको दौड़ाया था आपने, उसमें से 10 ऐसी लाइनें जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक अलग से कॉपी रजिस्टर लगा लेना मेरे दोस्तों और उसमें लिख देना ऊपर कि भाई इस सप्ताह की ये सुर्खियां अति महत्वपूर्ण थी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। केवल अब उद्देश्य है कि 10 महत्वपूर्ण सुर्खियां 5 मिनट के अंदर आपकी रिवाइज हो जाएं, जिससे आपके करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत हो। तो आइए आरंभ करते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए देख लीजिए सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज हैं ये तुझे वक्त बताएगा। क्या तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज हैं ये तुझे वक्त बताएगा। और परीक्षा से कह देना अब की बार नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे। लीजिए 10 महत्वपूर्ण सुर्खियां आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 5 मिनट का समय लिया है आपसे और मुझे उम्मीद है ये नई श्रृंखला आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी तैयारी में रामबाण साबित होगी। लीजिए मेरे दोस्तों आज का पहली सुर्खी, हाल ही में पहला मुलग मेडल किस क्रिकेटर को दिया गया है। तो याद रखना ये दिया गया है मेरे दोस्तों अजिंक्य रहाणे। किसको मिला है लिख लीजिएगा यहां पर, ये मिला है अजिंक्य रहाणे। और आप जानते हो ये किस मैच के दौरान मिला था, तो ये मेरे दोस्तों जो दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट मैच हुआ था उसमें पहली बार दिया गया। भारत के कप्तान उस समय अजिंक्य रहाणे थे, उन्हें मैन ऑफ द मैच के रूप में यह मेडल मुलग मेडल दिया गया। दूसरी सुर्खी देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां स्थापित की जाएगी। यह निचोड़ है मेरे दोस्तों, जो 6 दिन हमने पढ़ा था उस सब का निचोड़ आपको पढ़ा रहा हूं। तो यह है मेरे दोस्तों आंसर इसका गुजरात। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। और आपको यही ध्यान रखना है लिथियम के भंडार हाल ही में कुछ दिनों पहले दोस्तों कर्नाटक के मांडिया स्थान पर प्राप्त हुए थे। तीसरा देखिएगा मेरे दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो रसगुल्लो ये किया गया है किसको, ये सुनीत शर्मा को किया गया है। किसको, सुनीत शर्मा को किया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त। और ध्यान रखना किसके स्थान पर किया गया है, वी के यादव जी के स्थान पर किया गया है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, एक आशा जन रसोई योजना किस क्रिकेटर के द्वारा शुरू की गई है। लिख लीजिए गौतम गंभीर। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, गौतम गंभीर जी के द्वारा स्टार्ट की गई है, जो वर्तमान में सांसद है मेरे दोस्तों। और दिल्ली में इसे आरंभ किया गया है, कहां पर, दिल्ली के अंदर इसे आरंभ किया गया है। तो एक आशा जन रसोई योजना गौतम गंभीर के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। उत्तराखंड देवों की नगरी के अंदर, कहां दोस्तों, उत्तराखंड देवों की नगरी के अंदर पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, साइंटिस्ट ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हेमंत कुमार को दिया गया है। किसको दोस्तों, हेमंत कुमार को प्रदान किया है किसने, डीआरडीओ ने। तो लिख लीजिए डीआरडीओ ने हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल आईसीसी ने किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया है। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है दोस्तों, उसने दशक
दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको? पुरुष के रूप में विराट कोहली। किसे दोस्तों? पुरुष के रूप में जो अपने चीकू है, जो विराट कोहली है, उन्हें किया गया दोस्तों दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। और महिला के रूप में तो एलिसा पैरी को। किसको? महिला में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पैरी को किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर रसगुल्लो? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में भी कहां पर? जनकपुरी से नोएडा के बीच में। कहां पर? जनकपुरी से नोएडा के बीच में। इसे मेरे दोस्तों मैजेंडा लाइन पर। कहां पर? जनकपुरी से नोएडा के बीच में मैजेंडा लाइन पर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है। तो दिल्ली के अंदर जनकपुरी से मैजेंडा लाइन पर दोस्तों, जनकपुरी से नोएडा के बीच में मैजेंडा लाइन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 9th नंबर, पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और रसगुल्लो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश मामा की नगरी में। तो पहली हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश मामा की नगरी के अंदर आरंभ की गई है, देश की पहली है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल सोकर अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के खिताब से नवाजा गया है? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी मतलब कि दोस्तों शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे माना गया है? यह माना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसे? रसगुल्लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है जो कहां के हैं, किस देश के हैं? तो ये मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, ये पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के। और इन्हें ही मेरे दोस्तों गोल्डन फुट अवार्ड भी दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड और साथ में गोल्डन फुट अवार्ड दोनों की दोनों किसको मिले दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिए गए। देखिए मैंने आपको 2-3 मिनट के अंदर ही सप्ताह भर की जो 10 महत्वपूर्ण सुर्खियां थी वो आपको बता दी। और आप यकीन मानिए दोस्तों, ये 10 वो सवाल हैं जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। और आप अगर कोई ऐसा सवाल भूल रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वो इन 10 सवालों में कवर हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इन 10 सवालों के बारे में जो मैंने दोस्तों कॉपी के अंदर आपको लिखाया है, जो 6 दिन मैंने मेहनत की है आपके साथ में, आप उसे भी एक साथ अपने लिए जोड़ लें, रिवाइज कर लें। और दोस्तों ये केवल 5 मिनट केवल आपके लिए थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 मिनट आपके लिए निर्णायक साबित होंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी मेरे दोस्तों तो मैं इसको हर संडे आपके बीच में लेकर आऊंगा और पिछली वाली जो दोस्तों करंट अफेयर्स हैं उनके लिए भी मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेरे दोस्तों मुझे ये चाहिए कि मैं कोई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं तो खुद के लिए ना करूं, आपके लिए करूं क्या? अगर आपको इससे कुछ भी सपोर्ट मिलता है तो मैं इस श्रृंखला को, मेरी टीम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। सुबह फिर मिलूंगा आपसे सोमवार को उत्कर्ष परिवार के मंच पर फूल पत्ती वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।